बसंत का मौसम है। नॉर्डिक इलाके के जंगलों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यह दरअसल एक खतरनाक शिकारी लिंक्स की है जो हीट में है। यूरेशियन लिंक्स सभी लिंक्स फैमिलीज में सबसे बड़ी होती है और शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर भी मिलती है। सभी कैट्स की तरह कुदरत ने इसकी बॉडी का डिजाइन भी दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए ही बनाया है। मसल्स, फैंग्स और क्लॉज ये सब एक ही मकसद पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे खतरनाक हथियार पास होने की वजह से इनके लिए मेटिंग करना एक मुसीबत हो सकता है, इसलिए ये काम जरा सोच समझकर करना होता है। एक दूसरे का स्वागत करने और सिर्फ कुछ दिन चलने वाले मेटिंग रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए ये इस तरह सिर आपस में टकराती हैं। ज्यादातर फीलाइंस की ही तरह मेल और फीमेल लिंक्स अकेली ही रहती हैं। तो ऐसे में जिस थोड़े से समय के लिए ये साथ रहती हैं, इन्हें अपने खतरनाक हथियारों को छिपाए रखना याद रखना होता है। कोई फीमेल सिर्फ कुछ हफ्ते में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। बढ़ते शिकार की वजह से स्पीशीज को अकेले में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। हाँ, अफ्रीका की बात अलग है, जहां बिना पेड़ वाले मैदान शेरों का इलाका होते हैं। इनकी दहाड़ को 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुना जा सकता है, जो सवैना को थर्राती रहती हैं। ये दमदार आवाज सीमाएं तय करती हैं और राइवल्स को चेतावनी देती है। ये आवाज फीमेल्स को लुभाती भी है और भरोसा भी दिलाती है कि उनका इलाका और उनके बच्चे सेफ हैं। इनका रिश्ता बराबरी का होता है। हालांकि मेल्स अपने झुंड के मालिक होते हैं, लेकिन फीमेल्स को भी काफी रिस्पेक्ट हासिल होता है। अकेले रहने और शिकार करने के लिए बनाया है।
शानदार शिकारी के लिए भी जिंदगी आसान नहीं होती। इनका सर्वाइवल बहुत छोटी छोटी बातों पर टिका होता है। करीब आती मानसून की बारिने वाले जीवों के छोटे से छोटे सुराग भी सिर्फ ताकत से ही बात नहीं बनती। साइज और वजन से बेशक फायदा होता है, लेकिन सभी सेंसेस का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही छिपे रहकर खामोशी से इंतजार करने, साथ ही शिकार की जरा सी गलती का फायदा उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कामयाबी की गारंटी तभी होती है अगर विक्टिम 10 मीटर के दायरे में हो। सबसे बड़े मेल्स का वजन शायद ही 7 किलो से ज्यादा होता हो, लेकिन अपने कहीं ज्यादा बड़े रिलेटिव्स की तरह वाइल्ड कैट्स भी कमाल की एथलीट्स होती हैं। ये बिना नजर आए झाड़ झंकाड़ में गश्त लगाती रहती हैं और बड़ी खामोशी से शिकार के किसी मौके की तलाश में रहती हैं। टाइगर की ही तरह ये भी अपने ज्यादातर विक्टिम्स को जमीन पर ही मार गिराती हैं। काफी दूर तक बहुत ध्यान से पीछा करने के बाद ये अपने बेहद तीखे नाखूनों से जानलेवा हमला करती हैं। बेशक कैट फैमिली में इनका वजन बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट होती हैं। जिंदा रहने के लिए इन्हें रोजाना 15 से 25 चूहे खाने होते हैं। यानी वाइल्ड कैट्स रोजाना तकरीबन 250 ग्राम मांस खाती हैं। लेकिन इनके इलाके में लिंक्स का आना जाना भी रहता है, इसलिए ये लापरवाह कभी नहीं हो सकती। बाकी सभी कैट्स की तरह यूरेशियन लिंक्स भी अपने इलाके की मार्किंग्स अलग तरह के बॉडी सिक्रीशन से करती हैं। तीखी गंध वाली ये निशानियां बॉर्डर्स को तय करती हैं और यूरिन सबसे असरदार सिग्नल होता है। अगर उसी जेंडर का कोई मेंबर गंध वाली इस सरहद को पार करने की जरूरत करता है तो वो उस इलाके के मालिक की नजरों से बच नहीं पाता। इस डोमिनेंट मेल ने खून खराबे वाली इस मुठभेड़ के जरिए एक घुसपैठियों को यहां
अगले बच्चों की ट्रेनिंग को लगा रहेगा। इधर अफ्रीकन सवाना में शेरों के बच्चे पूरे साल पैदा होते रहते हैं। बच्चों की शिकारी इंस्टिंक्ट को एक्टिव कर देता है और ये खूबी सभी कैट्स में होती है। हर चीज से जुड़े सबक होते हैं, कैसे चला फिरा जाए, कैसे छिपा जाए और कैसे सही वक्त पर शिकार के लिए छलांग लगाई जाए। इन सभी बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखना है और ये जिम्मेदारी होती है माँ के अलावा इनके बड़े भाई बहनों की कि वो झुंड के अंदर शिकार से जुड़ी टेक्निक से इन्हें सिखाएं। और ऐसी जरूरी महारतें सीखने में 2 साल लग जाते हैं। लेकिन फिलहाल बच्चों के लिए जोश ही सबसे बड़ी बात है। शिकार से जुड़ी कैलकुलेशन और कोशिश से जुड़ा सबक किसी और दिन सीखा जाएगा। शिकार बच निकला।